अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर एट पल्स फिटनेस और माय नेम इज मुस्तफा अली खान, आप लोग जानते हैं, और रेसलिंग की दुनिया में मुझे एक्स मैक के नाम से जाना जाता है। और आज क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ हूँ, बहुत अच्छा एक्टर है, और आज हम लोग वर्कआउट करने लगे हैं, पुश वर्कआउट। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली उसकी तैयारी जोरों शोर से जारी है, लेकिन उस इवेंट के हवाले से सारी अपडेट मिलेंगी आपको हमारे पेजेस के ऊपर। अभी हम आपको बताएंगे कि आज का पुश वर्कआउट जो है, पहले आज वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा चलो, बाकी से बताते हैं फिर। चलाओ पुश वर्कआउट करें आप। अच्छा जी, पहला सेट करें हम डंबल इंक्लाइन प्रेस का, और पहला सेट हम शुरू करेंगे किससे। मेरी कोशिश होती है कि मैं हैवी वेट से करूँ, पता नहीं क्या है दिमाग के अंदर, लेकिन लाइट से करना जरूरी है, ठीक है। और ये लाइट वेट है 30 kg। हाँ, ये बहुत इसकी आँख ये इसका लाइट वेट है गाइस। मैंने असल में वार्म अप अच्छा किया हुआ है, इसलिए मैं 30 में जा सकता हूँ। ठीक है, तो वार्म अप भी दिखाओ ना पब्लिक को। वो कुछ छुपा लिया तुमने अपने राज, और जो तुमने पहले चीजें इतनी सारी अपने बैग से निकाली, मैंने वो भी दिखा ली है गाइस। बहुत सारी चीजें जो है ना इसने अपने बैग से निकाल के, कॉफी, ये दो वो मैं निकालता हूँ अभी, ये इतने सारे तुमने प्री वर्कआउट भी हैं। अच्छा जी, अब मुस्तफ़ा की बारी है। मुस्तफ़ा की थोड़ी सी फटी हुई है कि पहला सेट 30 से लगा रहे हम, ठीक है, लेकिन मुस्तफ़ा गो फॉर इट, शाबाश शाबाश। ये 50 किलो कहाँ लेके जा रहे हो भाई? घर लेके जा रहे हो? अच्छा, मैं समझा इससे लगाने लगे हो, ये सिर्फ इसलिए काम आएगा? नहीं नहीं, मैं ना लोहा बेचता हूँ। चलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं सेकंड सेट की तरफ, और ये 38 kg जो है उठा लिया है जवान ने, 38 kg, और बेल्ट भी बांध लिए क्योंकि कमर थोड़ी सी कमज़ोर है भाई की, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। ओके, कम ऑन बेबी, लेट्स गो। रोनी कॉलमैन है ना, लाइट वेट बेबी, लाइट वेट बेबी। दिमाग खराब कर दिया उसने ये बोल बोल के, है ना। जिसने भी हैवी वेट लगाना है, नारा जरूर लगाना। लाइट वेट बेबी। चलो, रेस्ट बहुत हो गया। 4, 3, 2, हूँ।
बेबी प्लेट के साथ बेबी बी नाइस टू मी अच्छा अच्छा चाट ले इसको कैसा है पसीने आ रहे हैं गाइस मैं एक अच्छी चीज दिखाता हूँ भी सेट हो जाए सामान फैसल क्या हो गया बैलेंस आउट क्यों हो रहा है शाबाश 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 गुड गुड थ्री डी शोल्डर हो रहा है अभी तो कमान चलो डबल देखो गाइस ये फ्रूट बैठ गया नीचे और ये जो है अब कोई चीज उभरती भी नजर आ रही है बीच में वो आपको दिखाते हैं वेरी गुड वाव ये क्या ये क्लीवेज होता नाइस एस मुस्तफा वेरी नाइस ऊपर बना भाई भाई ये भी आपने बताना ये कैसे बनती है इतनी खूबसूरत है ठीक है 4 3 2 come on baby चलो मैं समझा भागेगा इधर ही बैठा हुआ है अच्छा जनाब तो ये फेस डाउन करके हम प्रेस कर रहे हैं मशीन से ठीक है ताकि ज़्यादा जो है अब फ्रंट की साइड प्रेस हो गया अब ज़्यादा थोड़ा बैक साइड हो जाए अमन वो भाई 50 रेप नहीं लगाने हैं भूल जाता है सो जाता है ठीक मुझसे आप क्या कर रहे हैं हम अब आए केबल क्रॉस ओवर की तरह ठीक है गब्बर बन गए गब्बर वो क्या है शोले फिल्म में कौन बनता है क्या नाम है धर्मेंद्र है कौन मुझे नाम भी याद नहीं है बहरहाल खैर शोले फिल्म का ऐसे खड़ा होता है ना शोले फिल्म में उसके हाथ काट देते हैं कुत्तों के सामने नहीं नाचता अगर शोले फिल्म में उसके हाथ काट देते हैं उस बंदे के बेचारा सारी जिंदगी बगैर हाथों के बगैर हाथ के बंदा ढूंढता है बंदा गो अच्छा इसको करने के दो तरीके एक तो ये देखिए मुस्तफा ने अपने पांव पीछे रखे हैं और लीन फॉरवर्ड किया हुआ है अपनी बॉडी को एक और इसका जो तरीका है दूसरा वो मैं ये एक ये तरीका है इसका आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे करें और ये जो मसल ट्रेन हो रहा है मुस्तफा क्या मसल ट्रेन हो रहा है क्या मसल ट्रेन हो रहा था ये बेसिकली पुश वर्कआउट कर रहे हैं तो मसल चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं एंगल कौन सा कर रहे हैं लोअर डिक्लाइन लोअर चेस्ट को टारगेट कर ठीक है और क्या भाई नीचे कीचड़ है ये देखो काफ ले काफ हाय 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 चेस्ट करता हूँ काफ भी पंप हो जाता है तो आप जा यार रेस्ट बहुत आ रहा है अच्छा चलो भाई ये लो मेरी बारी ये लो अच्छा फैसल को जो है वो स्टैगरेड स्टांस पसंद है बेसिकली कौन से ये स्टैगरेड स्टांस कहलाता है ना तो फैसल इसलिए कह रहा था कि तो दो तरीकों से होता हाँ ये एक फाइटर का स्टांस होता है नहीं बेसिकली हाँ वो हमेशा ऐसे करा हाँ फाइटर तो होता है लेकिन वैसे साइंटिफिकली इसका बेनिफिट ये है कि आपका बैलेंस इससे अच्छा रहता है क्योंकि आप जब स्टैगरेड स्टांस लेते हैं तो आपका बॉडी का बैलेंस जो है अच्छा हो जाता है और कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है आपको जो मसल लगा रहे होते हैं ना और भाई कितने के आप 100 रेप थोड़ी लगाने हैं भूल ही गया है
एक तो ये बड़ी बड़ी बीमारी है तुम्हारे साथ। नहीं देखो, वीडियो तो शूट थोड़ी हो रही है तुम्हारी, एक्टिंग थोड़ी चल रही है अभी। ये वाहिद काउंटिंग है जो आप भूल जाएंगे, आपको फायदा होगा। चलो अब इसको मोहम्मद अली याद आ गया। उससे बोला था मोहम्मद अली का क्या कोड है? नहीं याद। जब आप यहाँ हो तो भूल जाएंगे काउंटिंग। हाँ, इनको तो दर्द ही नहीं होता ना भाई, मर्द नहीं है ना ये। स्पाइडरमैन। ये देखो भाई, ये जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे नादिर अली वर्कआउट कर रहा है। अरे नादिर तो तू था ना वैसे, पीटीवी के ड्रामे में तू नादिर था ना। अभी वो पकाऊ वाला नादिर। हाँ पकाऊ वाला। बहुत ही चे है वो। कमान गुड शो, गुड शो। करना कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्या बात है, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं ये बताएगा मुस्तफा। मुस्तफा आप क्या है? ड्राइव से प्रेस डाउन, और पीछे से आपने अपनी डिग्गी जो है वो ऐसे रखनी है, डिग्गी का बहुत ख्याल रखें आप। अगर आप वर्कआउट करते हैं आप एक तो हमारे तिब्बी मशवरे शुरू हो जाते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। देखो लोग इसलिए हमारी वीडियो क्यों देख रहे हैं। अरे बोलो भाई। अबे चुप मौलाना। अगर आप वर्कआउट करते हैं ना और आपकी एस अच्छी नहीं है तो आपको सारे मसल छोड़ के सिर्फ एस पे काम करना सही है। नेक्स्ट इज बोथ आर्म ट्राइसेप्स। हमारा चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया। अब हम ट्राइसेप पे जा रहे हैं, उसका आज का वर्कआउट कंप्लीट है। ठीक है ना, खत्म होने वाला वर्कआउट। एब्स तो अभी मैंने कराए नहीं है, फोर आर्म्स भी नहीं करी हमने। अच्छा अच्छा ठीक है। जिम में चौकीदारी भी तो नहीं करनी है ना। चल हप तो इजी है, बच्चे भी कर लेते हैं। आगे पुश करना। यस मैक की बारी, मैक की। बच्चा है, बच्चा बच्चा है, बच्चा। क्या बच्चे भी कर लेते हैं? बेबी है, बेबी। ओवरहेड ट्राइसेप्स ना, ज्यादा सिंगल आर्म ज्यादा पसंद है। अच्छा आपको सिंगल आर्म पसंद है। मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, हर चीज गलत ले जाता है ये आदमी ना। सिंगल आर्म क्या पसंद है आपको? हां यार बात नहीं है। नाइस। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ट्राइसेप डिप्स, और इसमें हमने हेल्प ली है हमारे मुकीत साहब। कैसे हो मुकीत? वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन पल्स। मुकेश रखने भी है। कमान ट्रेन सेम रिमेन द सेम। डन हो गया भाई। नहीं तो ऐड नहीं करनी तो करना। हाँ सो गाइस बहुत मज़ा आया आज, और फैसल ने काफ़ी मोटिवेशन भी दी, और वर्कआउट हो भी गया, नहीं तो आज दिल नहीं कर रहा था यकीन तो। लेकिन अच्छा हुआ कैमरा लगा लिया और वर्कआउट हो गया था। हाँ कैमरा भी मोटिवेट कर रहा था, पार्टनर भी मोटिवेट करता है। तो एंड में हम आपको वही कहेंगे जो हर यूट्यूबर बोलता है, क्या बोलता है?
अबे हटाओ, अबे कोई हटाओ, लाइक सब्सक्राइब क्या चुदियाबे की बात है, पसंद आएगा तो खुद ही कर लेंगे। हां भाई करो भाई, ताकि चाह रहे हो कि हम लोग और वीडियोस बनाएं, अब इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियोस बनाएं जिसमें हम प्रमोशन भी दे सकें। शुरू हो गया चुदियाबे, ताकि पता भी चल जाए ना, कोई फायदा भी तो हो ना कुछ। बाहर आ गए तो मंजिल बेचना पड़ता ना, वरना लोग ऐसे देखेंगे। देखेंगे भाई, अगर लोगों को पसंद आया ना तो वो देखेंगे। तो गाइस दोबारा फिर हम आपको इसी तरह हम हरकतें करते हुए नजर अगले वर्कआउट में, अगला वर्कआउट पुल का है शायद, पुल का है, और फिर उसके बाद क्रॉसफिट करने वाले हैं, और फिर देखता हूँ ये कितने पानी लेग्स। ओके बाय बाय बाय।